नमस्ते बच्चों, मैंने आपको पाठ 7 कारक पढ़ा दिया था। ठीक है, आज हम उसके क्या करेंगे, अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में हम करेंगे प्रश्न 1, 3, 4, 5 और 6। ठीक है ना, और यह काम आपको अपनी बुक में ही करना है। ठीक है, प्रश्न 1 में देखो दिया हुआ है मौखिक अभ्यास। मौखिक अभ्यास में प्रश्न क दिया हुआ है, कारक के कितने भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था ना कारक के भेद, और कॉपी में भी काम दिया है मैंने, है ना। इसमें कितने भेद होते हैं, 8। कौन कौन से थे, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ठीक है, तो इसमें इसका आंसर क्या लिखना है आपको, 8। ठीक है, प्रश्न ख, कर्ता कारक का चिन्ह क्या है, क्या है, ने। ठीक है, प्रश्न ग, कर्ता का क्या अर्थ होता है, कर्ता का मतलब क्या होता है, जो कार्य कर रहा हो, तो इसमें क्या आएगा आंसर, करने वाला। घ, संबंध कारक का चिन्ह बताइए। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, चिन्ह का और की। ठीक है, अब प्रश्न 3 देखो, इसमें दिया हुआ है अधोलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों में परसर्ग चिन्ह भरिए। प्रसंग चिन्ह मतलब ये, का, की, के, ने, ना, नी, ये सब चीज़ें। ठीक है ना, इसमें फिलअप ऐसे भरने हैं, खाली स्थान दिए हुए हैं उसमें आपको भरना है ये पैराग्राफ पढ़ के। ठीक है ना, इसमें देखो लिखा है, एक नगर के बाहर महात्मा बुद्ध क्या आएगा, ने अपना पड़ाव डाला। वहाँ का राजा अपने पुत्र के क्या आएगा, के क्रोधी स्वभाव से दुखी था। वो क्रोध करता था, गुस्सा करता था, इसलिए वह राजा उससे दुखी था। ठीक है, वह अपने पुत्र बेटे को लेकर महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। राजा ने महात्मा बुद्ध को पुत्र के संबंध को बताया, जो पुत्र के परेशानी थी उसको बताया। महात्मा बुद्ध ने राजा के पुत्र से एक पौधा मंगवाया, जो उनका पुत्र था राजा का, उनसे एक पौधा मंगवाया। महात्मा बुद्ध ने राजा के पुत्र से कुछ पत्तियाँ खाने को कहा, जो पौधा मंगवाया था उससे, उसमें से कुछ पत्तियाँ उसको खाने के लिए कहा। राजा के पुत्र ने जैसे ही पत्तियाँ खाई, उसने तुरंत पत्तियों को थूक दिया। और उस पौधे को भी उखाड़ कर फेंक दिया। महात्मा बुद्ध के पूछने पर उत्तर दिया कि यह पौधा अभी से इतना कड़वा है। महात्मा बुद्ध ने पूछा कि यह आपने क्यों थूका और ये पौधा क्यों उखाड़ के फेंक दिया, तो उसने उत्तर दिया कि अभी से इतना कड़वा है तो बड़ा होकर तो और भी अधिक कड़वा हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, बेटे तुम अभी से इतने क्रोधी हो तो बड़े होकर क्या करोगे। राजा ने पुत्र को सब राजा और इसमें दिया हुआ देखो, राजा के पुत्र को सब समझ, यहाँ पे डैश लगा के आ गया लिख लेना, आगे से उसे उसने क्रोध करना छोड़ दिया। ठीक है बच्चों, अब प्रश्न 4 देखो, अधोलिखित सही वाक्यों पर सही तथा गलत वाक्यों पर गलत का चिन्ह अंकित कीजिए। ठीक है ना, इसमें दिया हुआ है, का में बच्चों ने दुकान से मिठाइयाँ लेकर खाई। इसमें ये सही सेंटेंस बनाए वाक्य, तो इसका क्या है, सही। ख में देखो, हाथी ने गन्ने तथा रोटियाँ खाई। हाथी ने तो नहीं होगा, हाथी क्या होगा इसमें, इसमें क्या होगा, ये गलत। ठीक है, अब देखो, ग, मेज में हिंदी तथा अंग्रेजी से पुस्तकें रखी हैं, तो ये क्या सेंटेंस है, वाक्य गलत। ठीक है, मेज पर हिंदी तथा अंग्रेजी की पुस्तकें रखी हैं, ये है सही। घ देखो, तालाब में मछलियाँ तैरती हैं। ठीक है, ये क्या है, सही। पेड़ को सेब गिरता है, नहीं, पेड़ से सेब गिरता है, तो ये क्या है, गलत। ठीक है, अब प्रश्न 5 देखो, अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चिन्ह कीजिए। क, संबोधन कारक का चिन्ह क्या है, के लिए, यहाँ पे से लिखा है तो ये काट देना बेटा, यहाँ पे हे और अरे लिखना। ठीक है ना, और मैं पर, तो यहाँ पे जो है हे और अरे
संबोधन कारक का चिन्ह ये है हे और अरे, तो ये क्या है सही। ख, संबंध कारक के चिन्ह कौन से हैं? क, की, के, हे, अरे, ए, द्वारा। ठीक है, तो इसके आया मैं इसमें क, की, के। अपादान कारक के चिन्ह बताइए, ने, के, पे, से, अलग, के लिए। तो अपादान का चिन्ह है से, अलग। कर्म कारक के चिन्ह को बताइए, को, रा, री, रे, मे, पर। तो क्या आएगा को। ने किस कारक का चिन्ह है? कर्मकर्ता संबोधन। तो क्या आएगा इसमें? कर्ता का, इसमें सही आएगा। ठीक है, प्रश्न छः देखो। अधोलिखित कारक चिन्हों से सार्थक वाक्य बनाने हैं आपको। ये चिन्ह दिए हुए हैं, मैंने आपको ये भेद कराए थे कारक के, इसके चिन्ह दे रखे इसमें, और उसमें आपको वाक्य बनाना है। ने, ने का क्या वाक्य बनेगा? कुमार ने तुलिका से चित्रकारी की। ठीक है, को, राम ने सीता को जयमाला पहनाई। से, अलग, वृक्ष से पत्ता गिरता है, अलग हो गया ना। से, द्वारा, ईश्वर ने मनुष्य के लिए सृष्टि की रचना की। ठीक है ना, ईश्वर ने किए ना, किसके लिए किए है, किसके द्वारा किए है। ठीक है, तो इसमें सृष्टि की रचना की। अरे, अरे लक्ष्मण तुम यहाँ क्यों बैठे हो। ठीक है बच्चों, ये जो अभ्यास कर रहे हैं आपको अपनी बुक में ही करना है। ठीक है बच्चों।